चुनाव लड़ेंगे, स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो आपके साथी जिन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा की बात है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने। ये माया है, माया छूटती नहीं है, किसी को सुझाव देने से नहीं छूटती। ये तो जैसे मेरे को किसी ने सलाह थोड़ी दी कि चुनाव मत हो, ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को आगे आने दूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये भी निर्णय किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अभी भाई प्रमोद प्रचार कर रहे थे कि दोबारा जिताना है, दोबारा जिताना है, मैं कड़ाई नहीं हूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अब एक और नई बहस छिड़ गई है। बहस ये कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। अब तक पायलट गुट के 3 उम्रदराज नेता कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि गहलोत गुट के 2 उम्रदराज नेता कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। विधायकों ने अपनी उम्र का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की बात कहकर जबरदस्त हवा दे दी है, जबकि कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की बात की है। जिन विधायकों ने चुनाव न लड़ने की बात की है उनकी उम्र 70 के पार है। तो वहीं बीकानेर पश्चिम के विधायक बीड़ी कल्ला और धोद विधायक परसराम मोदिया भी 70 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। ये दोनों नेता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इन दोनों नेताओं को सीएम गहलोत का करीबी माना जाता है। आखिर इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है, इसकी चर्चा अब राजनीतिक हलकों में तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और धोद विधायक परसराम मोदिया से जब राजस्थान तक के रिपोर्टर विशाल शर्मा ने फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं फिट हूँ, जिसको नहीं लड़ना वो ना लड़े। कल जो आपके विधायक हैं, आपके साथी हैं, वरिष्ठ साथी जो कि 70 पार है, वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप 73 साल के हो, कितने फिट हो, स्वस्थ हो, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो आपके साथी जिन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा की बात है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आपने और कल्ला जी ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे हम 73 पार हो, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो सर, इस बीच जो आपके प्रभारी है रंधावा जी, उन्होंने कहा कि जो भी वरिष्ठ है उनको खुद स्वविवेक से फैसला लेना चाहिए, अब युवाओं को आगे कमान देनी चाहिए। विवेक से फैसला ले रहे हैं ना, लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, और जो युवा साथी है उनको लेकर? उनको भी लड़ाओ, कौन मना कर रहा है। यदि सर अशोक गहलोत साहब, क्योंकि वो भी 70 पार हैं, तो यदि वो फैसला ले लेते कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप उनके साथ रहोगे या वो अपने फैसले पर कायम रहोगे? नहीं नहीं नहीं, सीएम साहब कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, सीएम साहब के साथ रहोगे, क्योंकि आपने कई बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि आप इतने सालों से विधायक रहे हो, पूर्व मंत्री रहे हो। आपकी जनता, क्षेत्र की जनता क्या की डिमांड है, क्षेत्र की जनता क्या कह रही है आपको? जनता कह रही है इसीलिए तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पायलट गुट के माने जाने वाले मंत्री हेमा राम चौधरी, सांगोद विधायक भरत सिंह कुंदनपुर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में चुनाव लड़ने और ना लड़ने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कह चुके हैं कि उम्रदराज नेताओं को स्वविवेक से ये फैसला लेना चाहिए। अब चुनाव तक किस किस नेता का विवेक क्या क्या कहेगा, ये तो हम आपको बताते ही रहेंगे। बाकी आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।